नमस्कार, पिंकी किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं काला जाम, इसको ब्लैक गुलाब जामुन के नाम से भी आप जानते होंगे। और ये वैसे हर ओकेजन पे बनाया जाता है, खास तौर से ये दिवाली पे बनाया जाता है। तो इसको कैसे बनाते हैं, आइए शुरू करते हैं। ब्लैक गुलाब जामुन बनाने के लिए हमको क्या क्या सामान चाहिए, आइए देखते हैं। 7-8 मैंने इलायची दाना लिया है, इसको मकाना भी बोलते हैं। और 1/4 कप मैंने ये ड्राई फ्रूट लिए हैं। इसमें 4-5 मैंने काजू लिए हैं, 4-5 पिस्ता लिए हैं, 4-5 मैंने बादाम लिए हैं। इनको सबको बारीक काट लिया है मैंने। और चुटकी भर बेकिंग पाउडर लिया है मैंने, एक छोटा चम्मच मैंने इलायची पाउडर लिया है। और चुटकी भर मैंने रेड कलर लिया है, रेड फूड कलर। 100 ग्राम मैंने पनीर लिया है और 100 ग्राम मैंने मैदा लिया है। और 1/4 कप मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। 1 किलो मैंने शक्कर ली है और 450 ग्राम मैंने मावा लिया है। ये मावा मैंने गाय का लिया है क्योंकि गाय का पतला मावा होता है और काले जाम में हमको पतले मावे की आवश्यकता होती है। तो कैसे बनाते हैं, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे। जितनी हम शक्कर लेंगे उतना ही हम पानी डालेंगे। जैसे 1 कप शक्कर है या 1 लीटर पानी है तो 1 लीटर ही शक्कर लेनी है हमको। दोनों बराबर मात्रा में लेने हैं। शक्कर हमारी घुल जाए उसके बाद हमको इसको गैस को कम कर देना है। और जब तक ये चाशनी हमारी तैयार होएगी तब तक हम काले जाम की तैयारी करते हैं। सबसे पहले हम पनीर को कस लेंगे। पनीर को हमने कस लिया है, अब इसको हाथ से हम मैश करेंगे। ऐसे बिल्कुल हथेली से इसको हल्के हाथ से मैश करना है। जोर लगाना है इस पे ताकि ये अच्छे से मैश हो जाए। इसमें दाना नहीं रखना है हमको बिल्कुल भी। तो ये पनीर हमारा अच्छे से मैश हो गया है। ठीक इसी तरह से हम मावे को भी मैश करेंगे। लगभग 5-7 मिनट तक हम इसको ऐसे ही मसलेंगे ताकि ये अच्छे से मैश हो जाए। इसमें भी हमको दाना नहीं दिखाना है, एकदम बारीक करना है। तो मावा हमारा अच्छे से मैश हो गया है। अब हम इसमें पनीर मिक्स करके इसको वापस से अच्छे से मैश करेंगे। अब हम इसमें मैदा भी डाल देंगे। स्टार्च भी डाल देंगे, ये बेकिंग पाउडर भी डाल देंगे। तो वापस इसको अच्छे से मिलाएंगे और सबको अच्छे से मैश करेंगे। चाशनी हमारी तैयार हो गई है। हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे। और गैस हम बंद कर देंगे। देखिए हमारा मावा अच्छे से मैश हो गया है, सारे सामान अच्छे से इसमें मिक्स हो गए हैं। जितना हम इसको मसल मसल के तैयार करेंगे उतना ही ये गुलाब जामुन हमारे अच्छे बनेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पार्ट अलग निकाल लेंगे। ये अंदर हमको फीलिंग के लिए चाहिए, लगभग 1 लोई जितना हम इसमें निकाल लेंगे। इसमें सारे सामान हम डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे हम। तो हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है। अब हम गुलाब जामुन बनाएंगे। इसको ऐसे रोल बना लेंगे हम पहले। हमने इसके रोल बना लिए हैं। अब इसको बराबर पार्ट में हम कट कर लेंगे।
से इसका गोल रोल बना लेंगे हम इसको, बीच में छेद करेंगे और ये फिलिंग हम इसमें कर देंगे थोड़ी सी। इसके अंदर हम इसे भर के इसको दबा देंगे। अब इसको हम गोल वापस कर लेंगे। इसमें दरार बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, नहीं तो हमारा काला जाम फट सकता है। एक भी दरार नहीं होनी चाहिए, एकदम प्लेन होना चाहिए। इसी तरह से हम सारे बना लेंगे। ये देखिए बन गया हमारा, ऐसे ही हम सारे बना लेंगे। तो देखिए सारे हमारे गुलाब जामुन तैयार हो गए हैं। अब हम इसको एक एक करके घी में डालेंगे। फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई में घी डाल के रखा हुआ है, इसको मीडियम आंच पे रखेंगे और अब हम गुलाब जामुन बनाएंगे। तो घी हमारा तैयार है, अब हम इसमें एक एक करके डालते रहेंगे। बिल्कुल गैस को हमको कम करके रखना है ताकि हमारा गुलाब जामुन अंदर तक से सिके। ज़्यादा तेज गर्म नहीं करना है हमको घी को, इससे हमारे गुलाब जामुन अंदर से कच्चे रह सकते हैं। अब हम इसको हल्के से ऐसे, गुलाब जामुन पे टच नहीं होना चाहिए प्लेट चम्मच, ऐसे गोल गोल घुमाते रहेंगे ताकि हमारे सब तरफ से सिकते रहें। टेम्परेचर हमको एकदम लो करके रखना है गैस का। ये देखिए हमारे तैयार हो गए, अब हम इसको निकाल लेंगे। और सीधा इसको चाशनी में हम डालेंगे। चाशनी अच्छे से पी लें। अब इसी तरह से हम बाकी के भी डाल देंगे। तो देखिए हमारे दूसरे गुलाब जामुन भी तैयार हो गए हैं, दूसरी बार के भी। अब हम इसको निकाल लेंगे, गैस हम बंद कर देंगे। बाकी के भी निकाल लेंगे। चाशनी ऐसे डाल देंगे चम्मच से ले लेके ताकि चाशनी अंदर तक पी ले। इसको हमको 15 से 20 मिनट तक चाशनी में डुबो के रखना है ताकि अंदर तक चाशनी पी ले गुलाब जामुन हमारे। और बार बार इसको चम्मच से ऐसे चाशनी डालते रहेंगे ताकि ये सब तरफ से चाशनी इनके अंदर चली जाए। तो देखिए हमारे गुलाब जामुन तैयार हो गए हैं। हमने इसको आधा घंटा चाशनी में डुबो के रखा। वैसे तो एक दिन अगर इसको रखेंगे चाशनी में डुबो के तो अच्छे से अंदर से ये चाशनी पी लेगा। तो अब हम इसको सर्व करते हैं। यदि आपको लग रहा हो कि आपकी गुलाब जामुन हार्ड हो रहे हैं चाशनी में तो थोड़ा चाशनी को बॉईल कर लें और गुलाब जामुन भी उसके साथ में रखें तो आपके गुलाब जामुन एकदम अंदर से भी सॉफ्ट हो जाएंगे। काफी अच्छे बने हैं गुलाब जामुन। तो देखा आपने काला जाम बनाना कितना आसान था। आप भी अपने घर पे जरूर बनाएं और किसी भी त्योहार पे किसी भी ओकेजन पे आप अपने घर पे बनाकर देखें कितना आसान है इसको बनाना। और यदि आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।